हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइज, आपको थंबनेल देख के समझ में आया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम एक फ्री वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो भी एआई यूज़ करके। गाइज, हम एआई यूज़ करके बहुत इजीली और बहुत आसानी से, और हमको यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और हम ईजिली क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमको एआई जनरेट करके देगा कंटेंट वगैरह। तो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, ये वीडियो पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा, और आप भी बहुत ईजिली विथ द फ्री डोमेन हम वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है गाइस, पैंथियन करके। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट जाना है, यहाँ पे जाने के बाद हमको इंटर करना है, देन यहाँ पे आपको साइन अप करना है। समझो आप अपने ऑलरेडी अकाउंट बनाए तो ओके, अकाउंट नहीं तो गाइस फर्स्ट साइन अप करो। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पे लॉगिन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि तो कनेक्ट विथ गूगल ही करेंगे हम। देखो अब गूगल से ही कर सकते हैं, अकाउंट करना है तो डायरेक्टली अकाउंट भी बना सकते हैं गाइस। तो मैं डायरेक्टली गूगल से कनेक्ट करूँगी क्योंकि मेरा टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइज, हमारा पैंथॉन का डैशबोर्ड अभी यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे डालो डालो गाइज आपका नाम जो कुछ रहेगा, फर्स्ट नेम वगैरह डालो एंड लास्ट नेम भी डालो यहाँ पे। ओके, ये सब कुछ डालने के बाद आप कंट्री भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग। ओके, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो गाइज। तो हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इंडिया। GHI कहाँ पे है? ओके, तो इंडिया है गाइज। ओके, हमें कुछ नहीं चाहिए तो नो करेंगे हम, कुछ एजेंसी वगैरह नहीं है तो हम अग्री अग्री आपको करना पड़ेगा, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं उसको हमको एग्री करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने भी एग्री किया यहाँ पे। तो गाइज मैं यहाँ पे पूरा दिखा रही हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन से कैसे हम स्टार्ट करेंगे एंड कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखो गाइज, सभी आपको समझ में आएगा। ओके ओके, तो अब ये हमारा वेबसाइट आएगा गाइज, ये हमारा वेबसाइट है पैंथियन का, हमारा वेबसाइट। देन यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट न्यू साइट, तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। मतलब हम न्यू साइट बना रहे हैं यहाँ पे, न्यू साइट इन द सेंस वेबसाइट ही बना रहे हैं लेकिन न्यू साइट। ओके, तो यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है वर्डप्रेस। ओके, तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, तो ये वर्डप्रेस का वेबसाइट हमको बना के देगा, मतलब इसको इंस्टॉल वगैरह करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे क्रिएट योर पैंथॉन साइट हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमको एक नाम देना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा, यूआरएल बनेगा गाइस, उसके ऊपर ही हमको हम यूआरएल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या गलती हूँ, बीजीएम इन्फिस का। तो यहाँ पे देखोगे बीजीएम इन्फिस का है, देखो ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो बताएगा गाइस इसको ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं तो हमारा न्यू क्रिएट होगा। और ये हमारे यू आर एल का, हम जो वेबसाइट बनाएंगे ना उसका यू आर एल रहेगा। और ये जो भी डोमेन मिल रहा है हमको फ्री मिल रहा है, इसलिए वो उनका ही डोमेन हमको मिलेगा गाइस, हमारा खुद का नहीं रहेगा। खुद का करना है तो उसको पेड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। देन हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गाइस इतना ही स्टेट्स ही रहेंगे, रीजन रहेंगे, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है गाइस, यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी भागना नहीं है हमको यहाँ पे। ओके, तो आप भी थोड़ा पेशेंस से ही करो। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमारा डिप्लॉइंग वर्डप्रेस, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है और कहाँ पे भी टाइम नहीं लेता गाइस, यहाँ पे थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। देखो गाइस, यहाँ पे हमारा ये डिप्लॉयमेंट हुआ है वर्डप्रेस का, तो हमको यहाँ पे अभी क्या करना है, विजिट यूअर पैंथॉन साइट डैशबोर्ड। ओके, तो हम उस डैशबोर्ड के ऊपर अब जाएंगे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा अभी आगे का करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, वो भी हम करेंगे अभी, नो थैंक्स, अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए हमको। ओके, तो ऐसा दिखेगा गाइस हमारा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है विजिट डेवलपमेंट साइट, तो यहाँ पे हम विजिट करेंगे। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, तो हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, देन नेक्स्ट कंटिन्यू करना है यहाँ पे हमको। देन गाइस हमको यहाँ पे थोड़े इन्फॉर्मेशन डालने पड़ेंगे, साइट टाइटल एंड ऑल, तो मैं वही देती हूँ गाइस, बीजीएम इन्फिस का ऑनलाइन स्टोर देती हूँ, ऑनलाइन क्लॉथ स्टोर ऐसे देती हूँ गाइस। ओके, देन यूज़र नेम मैं देती हूँ इन्फिस का है, एंड पासवर्ड एक देना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये हो गया पासवर्ड। ओके, हाइड करना पड़ेगा एक्चुअली मुझे। फाइन गाइस, तो मैं ना पासवर्ड निकालती हूँ क्योंकि आपने देखा है, तो मैं इसको हाइड करती हूँ, हाइड करके देती हूँ गाइस।
ओके गाइस, तो मैंने पासवर्ड दिया, देन मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी दिया, देन यहाँ पे हम सर्च इंजन विजिबिलिटी हम करेंगे। ओके देन ये सब कुछ हुआ, देन हम क्या करेंगे गाइस, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमने डिटेल देखा, हमारे साइट के डिटेल्स, मतलब साइट टाइटल क्या रहेगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन एक क्लोथ स्टोर बनाने वाली हूँ, तो यही डालती हूँ गाइस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, सर्च इंजन, ये सब कुछ, देन इंस्टॉल वर्डप्रेस हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके ओके गाइस, तो हमारा इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आपको दिख रहा है वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय करो करके बोल रहे। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। के लिए अभी जो हमने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला ना, तो वही गाइस हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ सेम, मेरा यूज़र नेम हुआ, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरा पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड यूज़र नेम दोनों डाला, देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ लॉगिन। यस गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमको मिला यहाँ पे हमारा ऑनलाइन क्लोथ स्टोर का डैशबोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमको इसमें भी बहुत अब कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे गाइस। तो यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। तो यहाँ पे हम लेते, तो यहाँ पे हमको सर्च करना है स्टार्टर टेम्पलेट गाइस। तो यहाँ पे दिख रहे गाइस स्टार्टर, स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो गाइज हमको यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स लेना है, तो ये सर्च कर रहा है स्पेलिंग रॉन्ग हुआ आई थिंक, स्टार्टर टेम्पलेट्स यस आया गाइज। तो यहाँ पे दिख रहा है गाइज आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स वर्डप्रेस, तो यहीं हमको इंस्टॉल करना है। तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, अभी इंस्टॉल हुआ गाइज, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ओके तो हमारा एक्टिवेट हुआ है। ओके गाइज देखो एक्टिवेट हो रहा है अभी स्टार्टर टेम्पलेट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो गाइस, एक्टिवेट करने के बाद हमको ऐसे दिखेगा, एक तो दिखेगा कि एआई वेबसाइट बिल्डर, एआई यूज़ करके आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, और एक दिखेगा कि क्लासिकल स्टार्टर टेम्पलेट्स। मतलब इससे पहले हम कैसे करते थे गाइस, कि हम एक टेम्पलेट चूज़ करते थे, देन बाद में उसको हम एडिट वगैरह करते थे। तो यहाँ पे गाइस हम एक वो भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम एआई यूज़ करके भी कर सकते। तो अभी हम एआई यूज़ करके कर रहे थे, तो एआई का ही देखेंगे, वो तो आपको पता रहेगा गाइस कैसे करने का। ओके तो यही हम चूज़ करेंगे गाइस। तो मैं इसको चूज़ कर रही हूँ, ट्राई द न्यू एआई बिल्डर। ओके तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, देन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके और यहाँ पे गाइस हमको जिप में हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करने पड़ेगा। ओके दैट इज app.zipwp.com। क्रिएट योर वेबसाइट विद इन लेस देन 60 सेकेंड्स। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, मतलब गूगल से हम साइन अप करेंगे गाइस उसके zipwp.com। ओके तो मैं यहाँ ले रही हूँ ईमेल आईडी, कंटिन्यू। तो गाइज आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके तो यहाँ पे भी हम करेंगे कंटिन्यू। ओके गाइज तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे थोड़े वेबसाइट की डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, लाइक नेम ऑफ द वेबसाइट, देन कौन किसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हो सब कुछ। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ वेबसाइट का नाम, मैं डालती हूँ BGM इन्फिस्का ऑनलाइन स्टोर। ओके ये हुआ वेबसाइट नाम, देन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लोथ्स क्लोथ स्टोर। ओके स्पेलिंग ये रॉन्ग होती है मेरे एक बार। ओके तो यहाँ पे गाइस हम सेलेक्ट करें ऑनलाइन क्लोथ स्टोर, क्योंकि हमको ऑनलाइन क्लोथ बनाए, तो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी। देन इसके बाद हमको करना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे गाइस हमको थोड़ा कुछ तो लिखना पड़ेगा हमारे वेबसाइट के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट इज़ एन ऑनलाइन क्लोथ स्टोर वेर यू विल गेट ऑल वराइटी ऑफ क्लोथ्स। ओके तो गाइज आपको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्रूव एआई यूजिंग एआई, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, तो मैं देखती हूँ क्या आता है। ओके गाइज दिस इज ऑल्सो गुड राइट फाइन। तो हम क्या करेंगे गाइज, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ओके कंटिन्यू करने के बाद गाइस हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा नेम, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, देन यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ फ़ोन नंबर। ओके देन यहाँ पे डालना पड़ेगा एड्रेस, तो इसको एक ही डालते हैं। ओके तो इसके बाद हमको क्या करना है गाइस, सोशल मीडिया ऐप को ऐड करना है, ऐप को ऐड करो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। ओके तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद गाइस हमको यहाँ पे थोड़े बहुत हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं ना उसके रिलेटेड, अभी हमने ऑनलाइन क्लोथ स्टोर दिया था रे, तो यहाँ पे देखो गाइस सारे मुझे क्लोथ्स ही मिल रहे, तो मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो मेरे वेबसाइट में इफेक्ट होगा इसका। ओके तो मैं मुझे जो अच्छे लगते हैं दैट आई विल चूज़ राइट नाउ,
लेटर हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे थोड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स और न्यू न्यू देख रहे हो गाइस, कुछ तो न्यू क्लोथ्स वगैरह अभी के फैशन के। ओके फाइन गाइस, तो मैंने अभी के लिए इतने सेलेक्ट किए हैं। आपको सर्च करना है तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं गाइस, ऐसे आप डाल के सर्च कर सकते हैं। देखो मैंने ऑनलाइन स्टोर किया तो यहाँ पे थोड़े बहुत आएंगे स्टोर के रिलेटेड आ रहे हैं गाइस। ओके क्लोथिंग किया तो क्लोथिंग के रिलेटेड आ रहेगा, ट्रेंडी के तो ट्रेंडी आएंगे आएंगे। ओके फाइन, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए शायद गए क्या हो। ओके तो फिर से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइस, तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके ऑलरेडी सेलेक्टेड है आई थिंक। ओके तो मैं यहाँ पे गाइस कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मेरे सेलेक्टेड है। ओके तो कंटिन्यू करने के बाद मुझे यहाँ पे गाइस कौन सा, तो मुझे मतलब ये देखो गाइस जनरेटिंग प्रीव्यू, जैसे मैंने जो इमेजेस सेलेक्ट करने उसके ऊपर वो प्रीव्यू जनरेट करता है, तो वहाँ से मैं कौन सा भी एक पिक कर सकती हूँ मुझे जो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस जैसे मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे दिखेगा। सो मैं कौन सा तो एक पिक करती हूँ गाइस यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गुड। सो आई थिंक आई हैव टू सेलेक्ट दिस और दिस, कौन सा सेलेक्ट करूँ, ये सेलेक्ट करती हूँ गाइस। दिस इज फाइन गाइस, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इट विल लुक लाइक दिस। लेटर हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सो बैक टू अदर डिज़ाइन, सो अदर डिज़ाइन देखेंगे जो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है उतना, ये थोड़ा ओके है। हाँ दिस इज़ बिट ओके गाइस राइट फाइन, यही इसी के ऊपर करते हैं गाइस। तो समझो गाइस आपको यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखो साइट लोगो, तो यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास है जो ऑलरेडी है वही कौन सा तो ऐड करते हो गाइस। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे दिख रहा है तो यही लेते गए हमारे कंपनी का लोगो। ओके तो मैं यहाँ पे डालती हूँ गाइस अभी के लिए। ओके सो दिस इज़ डन, तो सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस मुझे लोगो दिख रहा है राइट, तो यहाँ पे देखो शो साइट, मतलब यहाँ पर जो नाम है ना साइट टाइटल उसको हम डिजेबल भी कर सकते हैं, सिर्फ लोगो भी रख सकते हैं। लोगो को साइज़ हमारा विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं गाइस, इतना ही रहने दो। देन समझो आपको टेक्स्ट यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, तो आप टेक्स्ट भी कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, तो दिस इज़ गुड आई थिंक। और यहाँ पे देखो गाइस ये कलर जो दिख रहा है ना उस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं गाइस, देखो यू कैन चेंज कलर ऑल्सो, इट कौन सा अच्छा दिख रहा है मैं, मुझे अच्छा लगा गाइस तो मैं इसको रखती हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी गाइस कंटिन्यू करूँगी। ओके देन देखो गाइस हमको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक डोनेशन, सेल्फ फनल, वीडियो प्लेयर, एनीथिंग यू कैन करने गाइस। तो मैं अभी के लिए क्या करेंगे, लाइक हम फ्री लाइव चैट लेते हैं गाइस। ओके देन इसके बाद हम स्टार्ट बिल्डिंग, तो हमारा अभी वेबसाइट गाइस बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो गाइस वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, सो इट विल टेक सम टाइम टू मेक इट 100। ओके तब हमारा वेबसाइट बन जाएगा, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट गाइज, आई थिंक आप भी एक्साइटेड रहोगे। सो लेट्स चेक, थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइज और हमारा वेबसाइट बन जाएगा। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेबसाइट बन गया है, यूअर वेबसाइट इज रेडी गाइज, सी यूअर वेबसाइट। तो हम देखेंगे अभी हमारा वेबसाइट कैसा बन गया। तो यहाँ पे देखो गाइज व्यू हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, देन यहाँ पे दिखेगा गाइज ऐसे, तो इट इज़ लुकिंग नाइस गाइज। देखो पहले कैसे था एंड अब कैसे, पहले सैम्पल मैंने आपको दिखाया था गाइज ऑलरेडी, कहाँ अभी नहीं सही तो सैम्पल। तो यहाँ पे देखो गाइज कितना मस्त एंड कितना अच्छा दिख रहा है राइट। सो दिस इज़ अबाउट हमारी वेबसाइट बन गई गाइस। अभी समझो हमको ए आई मतलब यहाँ पे चेंज करना है तो कैसे करने का बाय यूजिंग, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट यहाँ पे दिख रहा है गाइस आपको, एडिट पेज उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके तो आपको जो कुछ चेंज करना है गाइस वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके तो अब यहाँ पे ये करते हैं, तो समझो मुझे अभी टेक्स्ट चेंज करना है। ओके तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी फर्स्ट। ओके सेलेक्ट करने के बाद एक तो मैं यहाँ पे टाइप करके भी चेंज कर सकती हूँ गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टोर एंड ऑल। तो देखो गाइस मैं अभी यहाँ पे डालती हूँ वेलकम टू माई ऑनलाइन स्टोर। ओके STORE, तो ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। और एक ऐसे AI जनरेटेड, तो इसके क्लिक करना है देन यहाँ पे दिख रहा है आपको आस्क AI है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके तो यहाँ पे आपको दिखेगा गाइज, यहाँ पे देखो एक तो फिक्स ग्रामर, मेक लॉन्गर, मेक शॉर्टर। ओके तो मेक लॉन्गर यहाँ पे मेक लॉन्ग करेगा एंड मेक शॉर्टर यहाँ पे मेक शॉर्टर करेगा इस कंटेंट को, तो
वेलकम टू माई स्टोर शॉप एनी टाइम, तो यहाँ पे मैं यूज़ दिस करूँगी गैस। तो यहाँ पे देखो गैस दिख रहा है, यहाँ पे वो ऐड हुआ। अभी समझो मुझे यहाँ पे चेंज कुछ तो करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इस कंटेंट को आस्क AI करूँगी। देन यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ गैस, सपोज राइट अबाउट कैजुअल वेयर, ऐसे मैंने डाला राइट कैजुअल वेयर करके, राइट अबाउट मेक श्योर टू। तो डिस्को कॉम्पियन स्टाइलिश एवरी डे वियर फॉर योर लाइफ स्टाइल, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते गाइस। यहाँ पे देखो गाइस ऐड हुआ, एक AI जनरेट करके हमको दे रहा है राइट। समझो आपको इमेज अभी चेंज करनी है, अभी देखो मुझे ये इमेज, ये अच्छी इमेज, ये देखो मुझे ये इमेज चेंज करनी है ओके। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिप्लेस, तो इसके ऊपर जाना है। एक तो आप अपलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर से, नहीं तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी, मीडिया लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। तो मैं मीडिया से उठा देती हूँ गाइस, कौन सा तो अच्छा वाला ओके। दिस आई पिक सेलेक्ट हुआ या नहीं, इसको रिमूव करना है गाइस, इसको सिलेक्ट करना है। देखो गाइस सिलेक्ट हुआ, देन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस होगा। यहाँ पे देखो गाइस अभी रिप्लेस हुआ है राइट। तो ऐसे गाइस आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना है तो ओके। तो दिस इज गाइस, ऐसे आप बहुत इजीली बहुत आसानी से गाइस विद, देखो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, AI भी मुझे जनरेट करके दे रहा है गाइस वहाँ पे लाइक। सो बहुत इजी है गाइस, और यहाँ पे हमारा बहुत काम, मतलब हम टाइम सेव होता है गाइस, और बहुत फास्ट हमारा वर्क होता है ओके। तो दिस इज़ अबाउट गाइस गाइस अबाउट वेबसाइट। सो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करते हैं गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे दिखेगा ओके। सो गाइज वीडियो लंबा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है गाइज, आप सबको, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं कोडिंग था तो आप बहुत आसानी से बहुत इजीली आपके बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं गाइज ओके। तो ये हुआ, देन हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा URL कहाँ पे आएगा अभी पेज, तो यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है, हमारा URL है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखो गाइज लुक, हमारा फाइनल लुक ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है राइट। आपको एडिट चेंजेस कुछ भी करोगे चलेगा, और यहाँ तो बहुत कुछ कुछ है गाइस, यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिख रहा है राइट। तो ऐसे गाइस आप क्या कर सकते हैं कि आपका खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं बाई यूजिंग AI। तो गाइस आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ टिप्स चाहिए तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस। और ये लाइव है गाइस, अभी कोई भी देख सकता है, आप कहाँ पे भी शो शेयर कर सकते हैं गाइस, और लाइव आप डाल सकते हैं उसको ओके। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, समझो आपको कुछ भी समझ में आए तो गाइस प्लीज़ कमेंट करो, और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग गाइस।